सब्सक्राइब कीजिए उज्मा हेल्थ सेंटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि लंबे बाल हर मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। तो व्यूअर्स, आप दोस्तों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की जो मैं रेमेडी आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूंगा, आप सिर्फ 2 हफ्ते इसे इस्तेमाल करेंगे और अपने लंबे मजबूत घने बालों की ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, रेमेडी शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम व्यूअर्स से पर्सनल गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की जानिब, इंग्रेडिएंट के नाम नोट फरमा लें। तो व्यूअर्स, आज की ये अमेजिंग सी रेमेडी तैयार करने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है वह है एग योल्क, यानी कि एक अंडे की जर्दी। आपने एक अंडे की जर्दी किसी खाली बाउल में डाल ली है। उसके बाद जो सेकेंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर एड करना है वह है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। व्यूअर्स, आपने 2 चम्मच अरंडी के तेल के इस बाउल के अंदर ऐड करने हैं। और जो आखिरी और लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है वो है शैंपू। आप रोजमर्रा जिंदगी में जो शैंपू इस्तेमाल करते हैं 2 चम्मच वही शैंपू इस बाउल के अंदर ऐड कर लें और इन तीनों चीजों को मिक्स कर लें। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि ये जो 2 चीजें हैं एग योल्क और कैस्टर ऑयल, ये इंतहाई नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा, घना और मजबूत करेंगे। और व्यूअर्स, मजे की बात यह है कि आपके खुशकी को भी ये खत्म करेंगे और आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। व्यूअर्स, आपने इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद किसी ब्लीचिंग ब्रश की मदद से अपने तमाम बालों पर जड़ समेत लगा दें और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, अगर आप अंडे की जर्दी से परेशान हो रहे हैं कि इससे आपको स्मेल आएगी, बदबू पैदा होगी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इसके अंदर शैंपू इसलिए ऐड किया है ताकि ये एग योल्क यानी कि अंडे की जर्दी की स्मेल को बिल्कुल खत्म कर सके। तो व्यूअर्स, आधे घंटे के खुश्क होने के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। धोने के बाद आप दोबारा से शैंपू कर लें। 2 हफ्तों के दरमियान आपको फर्क वाजे ही महसूस होगा कि आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपका गंजपन का मसला है या आप हेयरलेस हैं, आपके बाल की ग्रोथ रुक गई है, चाहे वो किसी भी रीजन से क्यों ना हो, समटाइम हार्मोन्स की वजह से आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन आज की ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और 2 ही हफ्तों में आप लंबे, मजबूत और घने बालों के मालिक बन जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये होम रेमेडी जो कि इंस्टेंट बालों को लंबा करने के हवाले से थी, आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली होम रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।